विक्रांत, मैं रोक रही हूँ आपको क्योंकि राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं टोक्यो ओलंपिक से। राहुल, अच्छी खबर वहां से और हॉकी के मैदान से, और अच्छी खबर महिला हॉकी टीम की तरफ से। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो माहौल था अभी भी, क्योंकि मैं बिकॉज ब्रॉडकास्ट वायलेशन हो जाते हैं अदरवाइज, मैं आपको मेरे सामने ही हॉकी की पूरी टीम जो है विमेन्स टीम गुजर रही है और पूरे जितने भी यहाँ पे आप मैं आप गाने बज रहे हैं, हिंदुस्तानी इंडियन सॉन्ग बज रहे हैं और जितने भी फॉरेन नेशनल्स हैं वो हर कोई ताली से उनका स्वागत कर रहा है क्योंकि हर किसी को पता है कि भारतीय हॉकी टीम के लिए कितनी बड़ी बात है। देखिए, और जिस हिसाब से आज उन्होंने खेला है, शुरुआत कैसी हुई थी भारतीय टीम की, आप पहला मैच नेदरलैंड से हारे, उसके बाद अगला मैच आप जर्मनी से हारे, उसके बाद आप तीसरा मैच ग्रेट ब्रिटेन से हारे, उसके बाद आपने आयरलैंड को हराया, आप एक्सपेक्टेड था कि आप आज जीत ही जाएंगे, पर वो भी जीत जो है आपकी 1-0 से हुई। उसके बाद जो दूसरी आपकी जीत हुई वो साउथ अफ्रीका से और वो जीत भी 4-3 से हुई। तो आपको लगा नहीं था कि ये टीम जो है इतने आगे तक बढ़ पाएगी, पर उसके बावजूद देखिए लोएस्ट रैंक थी टीम की अपने पूल में और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो हाईएस्ट रैंक टीम थी और क्या किया आपने, एक हॉट फेवरेट ऑस्ट्रेलिया को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया क्वार्टर फाइनल में। और ये जो उनकी जो खुशी है प्लेयर्स की, कैसे वो एक दूसरे के गले लिपट लिपट के उछल उछल के कोच वहां कूदते हैं स्टेडियम पिच पे आते हैं और उछल उछल के उनको पता है कि उन्होंने क्या अचीव किया हॉकी से खेमे, हॉकी के खेमे से जो खबर आई है पिछले 2 दिनों में वो पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ी बात है। अरसा लग गया है ये दिन दोबारा देखने के लिए और आज जब आई है टोक्यो ओलंपिक्स में तो हल्के में अब इस टीम को कोई नहीं ले सकता है। दोनों टीमें आप देखिए ब्रॉन्ज मेडल, कुछ भी हो जाए यहाँ से ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए वो ब्रॉन्ज मेडल प्लेऑफ जरूर खेलेगी और इस वक्त जो है प्लेयर्स सबसे बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे थोड़ी सी इजाजत चाहूंगा कि मैं भी अगर उनको ज्वाइन कर लूं, प्लेयर्स से थोड़ा बात करने की कोशिश कर लें कि उनका माहौल, उनके सेंटिमेंट्स, उनके इमोशंस थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। और सबसे अहम सवाल तो जरूर बात कीजिएगा क्योंकि राहुल देखिए बहुत अहम इसलिए है कि आप जब एक एक मैच हारते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, लेकिन यहां पर डबल कॉन्फिडेंस के साथ ये टीम उतरी और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे विक्रांत के साथ भी, राहुल आप उनसे बात कीजिए क्योंकि बात हम विक्रांत से भी कर रहे थे कि हॉकी पूरी तरह से रिवाइव हो रही है और एक तरीके से ओलंपिक्स में ये नजर आ रहा है। कल ब्रिटेन, क्योंकि दोनों बराबर की टीमें मानी जाती थी, कल जिस वक्त सुबह हम राहुल से बात कर रहे थे यही जिक्र हो रहा था, अगर विक्रांत मेरे साथ है तो विक्रांत यही बात हो रही थी कि दोनों टीमें बराबरी पर हैं और दोनों टीमों का अगर प्रदर्शन देखें तो ठीक ठाक था, दोनों ही बराबर थी, इक्वल और कांटे की टक्कर होनी थी, लेकिन कल भारतीय हॉकी टीम जिस तरीके से ब्रिटेन की टीम पर हावी रही और उसके बाद अगर आज के मैच की भी बात करें, ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी टीम और किस कॉन्फिडेंस के साथ हिंदुस्तान की महिला हॉकी टीम मैदान में उतरी, हावी नहीं होने दिया, उल्टा खुद उन पर हावी रही। जो अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं ना हॉकी में, वो उसका हुआ है भारत, भले वो मेंस हॉकी में बात करें या वेमेन हॉकी में बात करें, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से समहाउ भारत साइकोलॉजिकली डरता है। यही विक्रांत हम क्रिकेट में भी बात किया करते थे अगर आपको याद हो तो, लेकिन लेकिन क्रिकेट में हमने फिर भी उनको काफी हराया है और कई मरतबा हराया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हॉकी में भारत को डोमिनेट किया है, यहाँ तक कि जब भारत अपनी हॉकी को रिवाइव करना चाहता था रिक चार्ल्सवर्थ को लेकर आया था, ऑस्ट्रेलिया के ही लेजेंड थे। खैर, वहां पर आप 7-1 से हारे थे, 7-1 से हारना बहुत बड़ी हार होती है, आप उसके बाद कई टीमें तो 2-2 साल खड़ी नहीं हो पाती, उसके बाद फिर 3 मैच लगातार जीत के आप नॉकआउट में आए, क्वार्टर फाइनल्स में आए और क्वार्टर फाइनल में नवजोत अगर आप आमने सामने हैं, भले आप बराबर की टीम है, उस दिन माहौल डिफरेंट होता है, लीग मैच डिफरेंट है, आपका नॉकआउट मैच डिफरेंट है, इसीलिए आज जो विमेन्स ये मैच मुकाबला इन्होंने क्वार्टर फाइनल का जीता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ये अलग चीज थी, अलग प्रेशर था। ऑस्ट्रेलिया तो आया था कि हम आएंगे और जीत कर चले जाएंगे और किसी ने सोचा नहीं होगा ओलंपिक्स में कि ऑस्ट्रेलिया आज विमेन्स हॉकी में बाहर हो जाएगा। वो 3 बार मेडल जीते हैं और गोल्ड मेडल, और आपकी टीम पहली बार सेमीफाइनल खेली है, खेलेगी, तो उस लिहाज से आप देखें, मुझे याद है जब ये ओलंपिक से पहले जब टीम ने जाना था, रानी रामपाल जो टीम की कप्तान है, मेरी उनसे बात हुआ करती थी और उन्होंने बताया था, आपको याद होगा सारी टीम को कोविड हो गया था, ये लोग बैंगलोर में ट्रेनिंग कर रहे थे, ज्यादातर खिलाड़ियों को जो सेकेंड वेव आई थी कोविड हो गया था, आप अंदाजा लगाइए जब टीम को कोविड हुआ था मिड अप्रैल के करीब करीब जाकर, उसके बाद लड़कियां दोबारा से खड़ी हुई हैं, उनकी ट्रेनिंग शेड्यूल सारा खराब हो गया था और फिर से आना ओलंपिक्स में वो विश्वास रखना, हालांकि लीग मैच बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे भारत के लिए, जैसे राहुल ने भी कहा शुरुआत अच्छी नहीं थी,
एक स्टेज पे तो ये लग रहा था कि शायद क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगी, वो तो आखिरी मैच जैसे मैंने कहा नतीजा सामने वाली टीमों का ऐसा हुआ कि आप क्वालिफाई कर गए, लेकिन अब वो सब भूल जाइए। आज आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, कल आपने मेंस हॉकी में ब्रिटेन को हराया था, तो अब आगे का देखना है। मुझे लगता है कि मेडल राउंड में आप पहुंच गए हैं, आपको मेडल एक या हो सकता है दोनों जरूर मिले। बिल्कुल विक्रांत, अब ऐसे में देखिए अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेडल के लिए अब हमारी दोनों ही टीमें खेलेंगी। बेल्जियम से मुकाबला होगा पुरुष हॉकी टीम का, लेकिन महिला हॉकी टीम की आगे की चुनौतियां कितनी ज्यादा रहने वाली हैं, और ऐसे में जब आप ऑस्ट्रेलिया को हराकर आगे जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। देखिए होता क्या है, इसे कहते हैं सोडा बॉटल इफेक्ट। मैं हमेशा, ये क्रिकेट हो या कोई भी खेल हो, सोडा बॉटल इफेक्ट क्या होता है, जब आप सोडा की बॉटल खोलते हैं तो फिज एकदम ऊपर आती है, उसके बाद बैठ जाती है।